नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वाद से सेहत तक। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी की सब्जी। कमल ककड़ी को नदरू, लोटस स्टेम या भीज भी कहते हैं। ये जो कमल का फूल होता है ना, उसकी डंडी होती है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं। एक डंडी कमल ककड़ी की, 3 टमाटर, 2 मीडियम साइज के प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च जिसे मैंने एक साथ मोटा मोटा कूट लिया है, ये मैंने लिया है 2 चम्मच। 2 चम्मच तेल और मसालों में लिया है 1 चम्मच जीरा, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, ये सिर्फ कलर के लिए है, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। दोस्तों, कमल ककड़ी को खरीदते समय ध्यान रखिएगा कि वो देखने में सफेद हों, साइज में थोड़े मोटे हों, और उसके दोनों किनारे अगर बंद होंगे तो और भी अच्छा है। इससे कोई भी गंदगी कमल ककड़ी के छेद में नहीं जाएगी। कमल ककड़ी अगर पतली होगी तो जल्दी पकेगी नहीं, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। कमल ककड़ी के किनारों को काट कर अलग कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी कमल ककड़ी अंदर से एकदम साफ है, इसके छेद में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। अब इसके छिलके को हटा देंगे। देखिए दोस्तों, इसका छिलका, अगर इसे हम नहीं हटाएंगे तो इसके रेशे मुंह में आएंगे। दोस्तों, कमल ककड़ी को मैंने धो लिया था, अब इसको हम गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों, पहले इसको उबालने के लिए 1 पतीले में 2 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब बाकी कमल ककड़ी को काट लेंगे। कमल ककड़ी को हमने काट लिया है, पानी भी अब गर्म हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और कमल ककड़ी को उसमें डाल देंगे और 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे। दोस्तों, 2-3 उबाल आ गया है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब पतीले पर ढक्कन लगा देंगे और कमल ककड़ी को पानी में ही रहने देंगे। दोस्तों, ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि जो भी गंदगी कमल ककड़ी के छेद में है वो निकल जाएगी। ये स्टेप मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि हमारी कमल ककड़ी तो एकदम साफ है। अब एक कुकर को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। कुकर में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। दोस्तों, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देंगे। जब जीरा तड़कने लगेगा तब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसमें कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। अब कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। दोस्तों, आंच को धीमा ही रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब कुकर के ऊपर ढक्कन को ऐसे ही रख देंगे और 4 से 5 मिनट तक मसालों को अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में मसालों को चलाते भी रहेंगे। चलिए अब कमल ककड़ी को पानी से अलग कर लेते हैं। दोस्तों, अब मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब कुकर में कमल ककड़ी को डाल देंगे और मसालों के साथ मिला देंगे। ढककर 2-3 मिनट तक भुनेंगे। मसालों के साथ जब कमल ककड़ी को भुनते हैं तो सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब कुकर में 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और सब्जी को अच्छे से चला देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब सब्जी को 6 सीटी आने तक पकाएंगे। दोस्तों, कुकर में 6 सीटी आ गई है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर ठंडा हो गया है,
चलिए अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। कमल ककड़ी एकदम पक गई है। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और सब्जी को 2-3 उबाल आने तक और पकाएंगे। सब्जी में गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ती डाल देंगे। देखिए दोस्तों, सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब सब्जी एकदम तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हुई है। इस सब्जी को आप रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी है कि जो लोग कमल ककड़ी पसंद नहीं करते वो लोग भी मांग मांग कर खाएंगे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।